नाम सामेन प्रिया, मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल प्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं थालापति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के जीवन मीट्स गांधी फाइट सीन पे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हमें सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पापा इतनी देर से घर मत आया करो। बेटी बेटी नहीं, बेटा। पापा मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जीवन पेट में था तब कसम खाई थी नहीं पीऊंगा, अब इस बेटे की भी कसम खा रहे हो। सुपर फाइव पास, सुपर चेस पास, ये मेरा बाप का चेला, ये मेरा बेटा ही है। हे गांधी, फोन नहीं सुनाई देता? हाँ, खबर आई कि एम्बेसी पर अटैक हुआ है। जानता है तुझे मैंने कितना कॉल किया, तूने फोन ही नहीं उठाया, इसलिए मैं खुद ही देखने आ गया। ए गांधी, आर यू ओके? क्या हुआ? एम्बेसी में अटैक करने वाली गैंग में मेरी शक्ल का एक लड़का था, मैंने खुद देखा। तू क्या कह रहा है? मेरा बेटा जीवन, अगर वो जिंदा होता। हे गांधी, जीवन अब नहीं है। आई नो बट इतने पास से देखा भाई, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे वो देख रहा था, उसकी आंखें, आई बिलीव यू भाई। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ तो गलत हुआ। देख भाई, तुझे डाउट हो रहा है ना, कल मैं उस गैंग को ढूंढता हूं और उस लड़के को भी, देन वी विल गेट ऑल द आंसर्स। ओके, तब तक तू सोच सोच कर अपना दिमाग खराब मत कर। ओके जीवन, आप मेरे पापा हो ना? जीवन, जीवन बेटा, मुझे लगा कि तू मर गया। सॉरी बेटा। बेटा, जिस दिन से तू खोया है ना,
तब से मैंने हजारों लाखों बार सोचा कि मैं उस दिन तुझे कैसे बचा सकता था, लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तू आज भी जिंदा होगा। जीवन बेटा, तू यहां कैसे? कहां कहां था, अब यहां? बेटा तू हमारे पास वापस क्यों नहीं आया? हमारे पास आ जाता बेटा। मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं है पापा, मैं कहीं और छोटा था उससे। कल जब आपको एम्बेसी में देखा तो जैसे कुछ याद आ गया, मेरे सपनों से था ये चेहरा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता मेरे पापा मेरे सामने। अब तुझे छोड़कर पापा कहीं नहीं जाने वाला। नहीं पापा, यू आर इन डेंजर, इसलिए मैं आपको अकेले में बात करने के लिए यहां लाया। इससे पहले फैजल गैंग आप पर कोई हमला कर बैठे, फैजल गैंग, मैं चाहता हूं आप घर वापस चले जाओ। हाँ फिर ठीक है, तो अभी निकलते हैं, चल। नहीं पापा, तुम सही सलामत घर पहुंचो, सेफ एंड साउंड। मुझे यहां से निकालना नामुमकिन है। ए, इतने सालों बाद तू मुझे मिला है, मैं तुझे छोड़कर ऐसे ही चला जाऊंगा? पाप, फैजल गैंग के बारे में तुम नहीं जानते, वो बहुत डेंजरस है। पाप, तेरा बाप क्या चीज है तू नहीं जानता। तेरे बगैर मैं इस देश से तो क्या, इस जगह से भी नहीं हिलने वाला। पापा, यू ओके? यू ओके? गो 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 पापा, चलो 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 चलो। Shit. Hey, they're getting away. Catch them, I'm coming. पता लगा लिया क्या है? एम्बेसी अटैक फैसल नाम के गैंग ने किया। मैंने उनका पता लगाया है। वहां गए तो वो लड़का भी मिलेगा। अबे लड़का तो आधे घंटे पहले ही मिल गया। अब मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। सुनील मैं पहुंच गया हूं, तू कहां है? मिस्टर गांधी, अपने राइट में देखो, व्हाइट कलर की गाड़ी।
सुन दोस्त, इंडिया चलें क्या? हाय माँ। अब वापस से इनमें सब कुछ सही होने लगेगा। जीवन जीवन सो गाइज, ये था पूरा सीन। और सीरियसली मतलब जो एक्शन सीन था, स्पेशली जो बाइक वाले सीन से, जो चेजिंग सीन थे, वो इतने ज्यादा कमाल के थे। और फाइनली जीवन अपने पापा से मिल लेता है और वापस इंडिया भी वो आ जाते हैं। और अब मुझे लगता है कि जो नाराजगी थी हस्बैंड वाइफ में, वो अब एकदम सही हो जाएगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई उनका जो बेटा है उनको हम बचा नहीं पाए, तो दोनों बात करनी बंद कर देते हैं। लेकिन अब बेटा भी वापस आ चुका है, सारी खुशियां भी वापस आ चुकी, तो पूरी फैमिली अब मुझे लग रहा है एकदम इकट्ठा हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले सीन में क्या होगा। बाकी और फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जीवन को वहां से लेके आए हैं, तो काफी लोग पीछे जरूर आएंगे। लेकिन मैंने इसके बाद जो गाना है वो गाना सुना था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये गाना इस नोट पे शुरू होगा, इतना इमोशनल कर देने वाला। लास्ट वाला जो सीन था, जब वो गेट से मतलब उनकी माँ उनको देखती है और वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन जैसे ये जो फाइट सीन था ना, ये इतना ज्यादा कमाल लग रहा था, क्योंकि हमें एक ही साथ दो दो थलापति विजय देखने को मिल रहे थे एक ही स्क्रीन पे, और बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है पूरा सीन, बहुत ही कमाल। अब इसका नेक्स्ट सीन देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल भी बनाए रखना। से मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।